पुलिस वाले का चौराहे पे हो गया वाद विवाद, सत्ताधारी नेता आ गए थोड़ी देर के बाद। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मैं अमित निरंजन फिर एक बार अपनी नई कविता लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज की कविता का शीर्षक है नेता और पुलिस। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे लाल रंग का बटन दबा के चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कविताएं कैसी लग रही हैं। कि कविता आधारित है ईमानदार पुलिस ऑफिसर और सत्ताधारी नेता के बीच के वाद विवाद की, तो ध्यान लगा के सुनते हैं। पुलिस वाले का चौराहे पे हो गया वाद विवाद, सत्ताधारी नेता आ गए थोड़ी देर के बाद। अब आपको पता ही है, कहीं झगड़ा हो, लड़ाई हो, नेता पहले पहुंचते हैं। नेता ने अपनी धौंस दिखाई, पुलिस ने अपनी पावर, बढ़ते बढ़ते झगड़ा बढ़ गया जैसे एफिल टावर। पुलिस वाला बोला, हमें किसी के बाप का पड़ा नहीं है डर, सरकारी नौकरी करते हम सरकारी नौकर। नेता बोला, गर्मी दिखाता है झापड़ मार दूंगा। नेता पुलिस वाले से बोलता है कि गर्मी दिखाता है झापड़ मार दूंगा, 2 मिनट में तेरी वर्दी उतार दूंगा, तू सरकारी नौकर है तो हम ही है सरकार। अब नेताजी कह रहे, सत्ताधारी पार्टी के थे, अब वे कह रहे कि तुम सरकारी नौकर हो तो हम ही सरकार है, कि तुम सरकारी नौकर हो तो हम ही है सरकार। गुस्से से तुम डरो हमारे, करो हमारी जय जयकार। पुलिस वाला बोला, पक्का देशभक्त हूँ। पुलिस वाला बोला, पक्का देशभक्त हूँ, आप डरा नहीं पाओगे, आपका भी दिल जोश से भर जाएगा जब मेरे साथ गाओगे। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो पुलिस वाले ने ये बेहतरीन लाइन है नेताजी के मुंह पे दे मारी, नेताजी तिल में लागे। नेताजी बोले, हमने तुमको खूब मनाया पर तू नहीं माना, हमने तुमको खूब मनाया पर तू नहीं माना, देख अभी एक फोन से हिलाता हूँ तेरा थाना। पुलिस वाला बोला, थाना हिलाओ या हिलाओ दिल्ली, पर मैं पुलिस का शेर हूँ, नहीं बनूंगा तेरी भींगी बिल्ली। नेताजी ने देखा कि पुलिस वाला तो दब ही नहीं रहा, तो नेताजी उससे बोलते हैं कि बेटा तुझे छोड़ता हूँ अब तू अपनी खैर मना, बेटा तुझे छोड़ता हूँ अब तू अपनी खैर मना, लेकिन ले लिया है पंगा तूने घना। ये कह के नेताजी वहां से चले गए। जब वो नेताजी चले गए तो पुलिस वाले के साथ ही बोले कि साहब लगता है गड़बड़ हो गई। अब पुलिस वाला अपने साथियों को समझाता है कि कोई गड़बड़ नहीं हुई, ना ही वे कोई बहुत बड़े नेता थे। आजकल लोग ये तरीका अपनाते हैं, जिसकी सरकार हो उसी का गाड़ी पे झंडा लगाते हैं, उसी की करते हैं जय जयकार, तुम चिंता ना करो बेकार, ना सारी पुलिस अच्छी है ना सारे नेता। अब वो अपने साथियों से बोल रहा है पुलिस वाला कि ना सारी पुलिस अच्छी है ना सारे नेता, और ऐसी बातों पे मैं घंटा ध्यान नहीं देता, हर गली चौराहे पे नेता की भरमार है, जनता बेरोजगार है, महंगाई की मार है। बोले महंगाई की मार है और जनता बेरोजगार भर रही, तो क्या करें। बोले नेता ही गिरी करें। आजकल की पब्लिक सोचती है कि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो नेतागिरी लेके प्रभु का नाम, शुरू करो नेतागिरी लेके प्रभु का नाम। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई कविता के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।